News 18, India. बड़ी खबर आई बंगाल से। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के संदेश खाली मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके SIT बनाने की मांग की गई थी और मणिपुर की तर्ज पर सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संदेश खाली का मामला लेकर हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया और संदेश खाली पर याचिका खारिज कर दी। बंगाल के संदेश खाली पर सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि संदेश खाली की कई आदिवासी महिलाओं ने TMC नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर यौन शोषण करने और उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। और इसी मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ बंगाल से दिल्ली तक प्रदर्शन हुए। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नाम के संगठन ने ममता बनर्जी का पुतला जलाया, उसे पैरों से मारा और संदेश खाली का मुद्दा उठाते हुए नारे लगाए। सियासी बवाल के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंची, क्योंकि संदेश खाली में आदिवासी समुदाय की कई महिलाओं ने TMC नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर यौन शोषण और उनकी जमीन हथियाने का आरोप लगाया था। ये आरोप बड़े थे, इसलिए बंगाल सुलग उठा और बंगाल से दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दी। एक दिन पहले शाहजहां शेख का करीबी शिबू हाजरा गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन TMC नेता शाहजहां शेख पुलिस की पकड़ से बाहर है। यही नहीं, संदेश खाली की आदिवासी समुदाय की कई महिलाओं का तो ममता सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि संदेश खाली में बाहरी महिलाएं आई थीं और उन्होंने ही गलत आरोप लगाए थे। और संदेश खाली की इन महिलाओं ने ममता बनर्जी के उन्हीं आरोपों का जवाब दिया। भले ही इन महिलाओं का चेहरा धुंधला करके दिखाया गया हो, लेकिन संदेश खाली के बारे में बात करने के लिए कई महिलाओं ने अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया, क्योंकि वो ये साबित करना चाहती थीं कि वो बाहरी नहीं है। बिहानी घाट तो संदेश खाली ताले बोहिरा को तो हानी के कहा है होते काले। एक महिला तो ममता बनर्जी के बाहरी वाले आरोप की वजह से रो पड़ी। संदेश खाली में प्रदर्शन की शुरुआत वहां की आदिवासी महिलाओं ने की थी और सड़कों पर झाड़ू लेकर वो उतराई थी, और इसके बाद उन्होंने TMC नेता शाहजहां शेख और उनके करीबी शिबू हाजरा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद विरोधियों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालात बिगड़ते देखकर संदेश खाली में धारा 144 लागू कर दी गई थी। ममता बनर्जी ने भरोसा दिया था कि वो मामले की जांच कराएंगी, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस बीच शाहजहां शेख के कई ऐसे वीडियो वायरल हो गए जिनमें संदेश खाली में उसका दबदबा नजर आया। एक वीडियो में तो कुछ लोग उसके सामने बैठकर उसकी तारीफ के गीत गाते दिखे। शाहजहां शेख का ये वीडियो 2021 का बताया गया। संदेश खाली में ED की टीम पर हमले के बाद शाहजहां शेख के कई वीडियो सामने आए थे। किसी में वो बाइक पर स्टंट करते दिखे थे, तो किसी में गाड़ी के बोनेट पर बैठकर बाढ़ का जायजा लेते दिखे थे। इन सारे वीडियो को संदेश खाली में शाहजहां शेख के दबदबे का सबूत माना गया था।